का प्रयोग और कहां पर दोस का प्रयोग किया जाता है। देखिए सिंगुलर और प्लूरल एक वचन और बहुवचन के बारे में आपने पिछले वीडियो लेक्चर में समझ लिया है। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पास है और सिंगुलर है तो दिस, अगर दूर है और सिंगुलर है तो दैट, अगर पास है और प्लूरल है तो दीस, अगर दूर है और प्लूरल है तो दोस का प्रयोग करना होगा। आपकी स्क्रीन पे सिंगुलर के नीचे लिखा है पास है तो दिस, दूर है तो दैट, प्लूरल के नीचे लिखा है पास है तो दीस, दूर है तो दोस। इसे रट लीजिए, इसे याद कर लीजिए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी समझने में। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने कहा यह किताब पास है या दूर है, सोचिए। अगर दूर होती तो मैं यह किताब थोड़ी कहता, मैं कहता वह किताब। मैंने कहा यह किताब पास है, और कितनी है, एक है या एक से ज्यादा है। अगर ज्यादा होती तो मैं कहता किताबें, मैंने कहा किताब, यानी ये एक है यानी सिंगुलर है और पास है, तो मैं कहूंगा दिस बुक। अब मैं कहता हूं वह किताब या वो किताब, दूर है और एक है, तो मैं कहूंगा दैट बुक। नेक्स्ट, यह किताबें या ये किताबें। अब देखिए यहां पर किताबें एक से ज्यादा हैं, यानी प्लूरल है और पास है। पास इसलिए क्योंकि मैं कह रहा हूं यह किताबें, या मैं कह रहा हूं ये किताबें। अगर दूर होती तो मैं कहता वह किताबें या वो किताबें या वे किताबें। तो चूंकि यहां पर किताबें पास हैं और एक से ज्यादा हैं, तो मैं कहूंगा दीज बुक्स, और वह किताबें एक से ज्यादा हैं और दूर हैं, तो मैं कहूंगा दोज बुक्स। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है ये या यह बच्चे। ये बच्चे एक से ज्यादा है और पास है, तो मैं कहूंगा दीज किड्स। वो लोग या वे लोग एक से ज्यादा हैं और दूर हैं, तो मैं कहूंगा दोज पीपल। अगर सोचिए ये लोग अगर पास होते तो मैं ये थोड़ी कहता वो लोग, मैं कहता ये लोग। अगर मैं कहता ये लोग तब बोलता दीज पीपल, अभी मैं कह रहा हूं वो लोग, तो मैं कहता हूं दोज पीपल। अब सोचिए आपके सामने कहीं पे सब्जेक्ट लिखा है ये मछलियां, किसी सेंटेंस में लिखा है ये मछलियां अच्छी हैं। अब सोचिए ये मछलियां एक से ज्यादा हैं, पास हैं, तो जो पास हो और एक से ज्यादा हो आप क्या यूज करते हैं यहां पर दीज। तो आप कहेंगे ये मछलियां के लिए दीज फिशेस। इस तरह से आप खूब प्रैक्टिस करिए, और जब आप सेंटेंसेस जब आपके सामने आते हैं जहां पर दिस दैट दीज दोस का प्रयोग होता है, तो जरूर सोचा करें कि ये पास है या दूर, और ये भी सोचा करें कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। और जहां आपको ये क्लियर हो गया कि ये पास है और सिंगुलर है, तो वहां पर आप दिस लगा देंगे। अगर पास है और प्लूरल है तो दीज लगा देंगे, अगर दूर है और सिंगुलर है तो दैट, और अगर दूर है और प्लूरल है तो दोस लगा देंगे। इस बात को अच्छी तरह से रट लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर में कुछ बेसिक जानकारी समझी है दिस दैट दीज दोस के बारे में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई भी कंफ्यूजन, बेझिझक आप हमें ईमेल करिए। हमारा ईमेल आईडी है